सिवनी पुलिस ने कार से 1,74,00,000 नकदी मिलने के मामले में नया खुलासा किया है। ये राशि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में लूटी गई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने एक इनोवा कार से 1,74,00,000 रुपए बरामद किए। इस दौरान आरोपी खुद को सोने का व्यापारी बता रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि सभी के सभी लुटेरे हैं, जो लूट की राशि को खपाने के लिए मुंबई जा रहे थे। पी में एक कौशाम्बी जिले में एक बड़ी लूट हुई है, तो उसके संबंध में हमको जब संदेह हुआ तो हमने इसमें पूछताछ शुरू की। पूछताछ में कई घंटों तक इन लोगों ने इसको अस्वीकार किया, माना नहीं, और सुबह फिर जाके लास्ट में ये लोग माने हैं और इन्होंने स्वीकार किया है कि ये पूरी घटना, पूरी साजिश इन्हीं के द्वारा रची गई थी। जो हमने आरोपी पकड़ा है हरिओम यादव, उसका भाई है हरिनाथ यादव, जो एक व्यापारी है बनारस का, उसका ड्राइवर है, और उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि यह नगद ले जाकर दिल्ली ले जाए और दिल्ली से सोना खरीद कर वापिस बनारस लाए। बीच रास्ते में इनने इस घटना को अंजाम दिया है। इनकी नीयत पहले से ही खराब हो गई थी। इनने पूरी योजना बनाई कि इस पैसे को, पूरी नकद को जो है हम लूट बता देंगे और पूरा पैसा हम रख लेंगे। इसके लिए इन लोगों ने अपने भाई को और दो अन्य लोगों को इसमें सह आरोपी बनाया पूरी साजिश में, और पूरी जो नाट्यक्रम है पूरा ऐसा रचा कि लोगों को विश्वास हो जाएगी। अब